शहर के नजदीक औजरिया के पास शहर के युवक का शव बुधवार मध्यरात्रि को मिला, जिससे पूरे शहर में सनसनी फैल गई। मृतक युवक की पहचान धनपाल के रूप में हुई। जैसे ही लोगों की इसकी जानकारी प्राप्त हुई, वैसे ही सैकड़ों लोग युवक की हत्या आरोप लगाते हुए एमजी अस्पताल पहुंचने लगे। इस पर पुलिस ने तत्काल शव को सुरक्षित रूप से मर्चरी में शिफ्ट करने की कार्रवाई की। जैसे जैसे लोगों को युवक की लाश मिलने की जानकारी प्राप्त होने लगी, वैसे वैसे हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में लोग एकत्र होने लगे, जिस पर पुलिस ने सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जाब्ता बुला लिया। अस्पताल के अंदर बाहर चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आने लगी थी। सैकड़ों की संख्या में हरिजन समाज के लोग भी मौजूद थे। आइए देखते हैं पार्षद देवबाला राठौड़ और पुलिस अधिकारी क्या कहते हैं। जो सामने की जनता है, किसने देखा, जो फोन किया, कोई कोई डेड बॉडी पड़ी है क्या? क्या डेड बॉडी है? अच्छा, मौके पे गए, मौके पे स्थिति, फिर क्या मोबाइल चल रहा था, मोबाइल से पता चला कि वो यहाँ का है, परिजन का पता लगाया कि यादव मोहल्ले का है, इस बच्चे का नाम क्या है मैडम? ये धनपाल नाम है। ये कब से मिसिंग? कब से मिसिंग था ये? मतलब कब से गायब था? दोपहर 2 बजे से गया हुआ। अच्छा, शादी शुदा है? हाँ, शादी शुदा है। कितने बच्चे? दो लड़के और एक लड़का है। अच्छा, आपकी माँ विधवा और अकेला है, तो एक पुत्र है कि? अच्छा, तो हत्या की आशंका जता रहे, क्या हुआ, क्या है कुछ आइडिया? ये बस वो गाड़ियाँ डालने के पड़ा हुआ था, या तो किसी ने मर्डर करके डाल दिया वहाँ पर, नहीं तो इस तरह समाज आएगा, सबका लड़का जंगल में कैसे जाएगा? जनता है, किसने देखा, जो फोन किया, कोई कोई डेड बॉडी पड़ी है क्या? क्या लड़का पड़ा हुआ? अच्छा, मौके पे गए, मौके पे स्थिति, फिर क्या मोबाइल चल रहा था, मोबाइल से पता चला कि वो यहाँ का है, परिजन का पता लगाया कि यादव मोहल्ले का है, सामने देख ले।